कई बार आप कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, आपको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वॉट इज डन इज डन, वॉट इज डन इज डन। तो इसी तरह की इंग्लिश वीडियोज के लिए मुझे टिकटॉक पर फॉलो करें। कई बार आप देखते हैं कि आपके दोस्त के या कहीं भी आप खड़े हैं, देखते हैं उसकी जिपर खुली रहती है, पैंट की चेन खुली रहती है, तो आप उससे, या फिर किसी के बैग की चेन खुली रहती है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे योर जिपर इज अनजिप्ड। तो इसी तरह के वीडियोस में टिकटॉक पर फॉलो करें। डींगे मारना या डींगे हाँकना, लंबी लंबी फेंकना, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको इंग्लिश में कहा जाता है बोस्ट। तुम बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हो, यू आर बोस्टिंग। लंबी लंबी मत फेंको या डींगे मत हाँको, इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट बोस्ट, डोंट बोस्ट। तो इसी तरह की इंग्लिश के लिए मुझे टिकटॉक पर फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, सबके साथ शेयर जरूर करें। हम कभी कहते हैं ना कि ये मेरे बस की बात नहीं है, या मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसे आप कहें कि साइंस मेरे बस की बात नहीं है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे साइंस इज नॉट माय कप ऑफ टी। केमिस्ट्री मेरे बस की बात नहीं है, तो केमिस्ट्री इज नॉट माय कप ऑफ टी। तो इसी तरह के वीडियोस में टिकटॉक पर फॉलो। छुपन छुपाई का खेल या लुका छिपी का खेल, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको इंग्लिश में हाइड एंड सीक बोलते हैं। हाइड एंड सीक मतलब ढूंढो और छिपो और ढूंढो। लेकिन इसके अलावा एक और वर्ड है पीक आ बू। पीक आ बू का मतलब भी होता है छुपन छुपाई का खेल या लुका छिपी। लेट्स प्ले पीक आ बू, चलो छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं, लुका छिपी का खेल खेलते हैं, या लेट्स प्ले हाइड एंड सीक। तो इसी तरह के इंग्लिश वीडियोज के लिए मुझे टिकटॉक पर फॉलो करें। हिंदी में हम कहते हैं दाल में कुछ काला है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं, कुछ गड़बड़ होने को इंग्लिश में फिशी कहा जाता है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे देयर इज समथिंग फिशी, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, या फिर दाल में कुछ काला है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे देयर इज समथिंग फिशी। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए मुझे टिकटॉक पर। गुस्सा दिलाना, किसी को चिढ़ाना या गुस्सा दिलाने को इंग्लिश में बोला जाता है अनॉय। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट अनॉय मी, या फिर डोंट मेक मी एंग्री। तो इसी तरह की इंग्लिश वीडियोस के लिए मुझे टिकटॉक पर फॉलो करें। मनगढ़ंत कहानी मत बनाओ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट कुक अप अ स्टोरी, डोंट कुक अप अ स्टोरी। इसी तरह के वीडियोस के लिए मुझे टिकटॉक पर फॉलो करें। हम इंग्लिश बोलते टाइम कई बार गलती कर देते हैं, जैसे क्या होता है कि हम बोलते हैं ड्रेसिंग सेंस, एक्चुअली वो ड्रेसिंग सेंस नहीं होता, वो ड्रेस सेंस होता है। सही इंग्लिश उसकी है ड्रेस सेंस। ऐसे ही एक और है मैरिज एनिवर्सरी, आप मैरिज एनिवर्सरी की जगह आपको बोलना चाहिए वेडिंग एनिवर्सरी। अब ऐसा क्यों होता है, ये क्यों गलत होते हैं, तो उसके लिए आप मुझे फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँ। इंग्लिश के दो शानदार वर्ड, एक जो बहुत कॉमन है और एक बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, दोनों का प्रोनंसिएशन है अपोजिट, ओ डबल पी ओ एस आई टी ई। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा ब्लोम, लेकिन अगर मैं ओ की जगह ए लिख दूं तो इसमें भी आपका अपोजिट ही प्रोनंसिएशन हो, लेकिन इसका मतलब होता है एप्रोप्राइट या फिर प्रॉपर, मतलब होता है योग। अगर हम अपोजिट बोलता हूँ इसमें एक ही स्पेलिंग, इसका मतलब बोल रहा हूँ कि योग। जैसे दिस मैटर इज नॉट अपोजिट फॉर आर्ग्यूमेंट, मतलब कि ये जो मैटर, ये बात है आर्ग्यूमेंट के लिए उचित नहीं है, प्रॉपर नहीं है, अप्रोप्राइट नहीं है। तो इसी तरह के वीडियोज के लिए मैं टिकटॉक पर फॉलो करें। एथेजाइग्रोफोबिया या एथेजाइग्रोफोबिया का मतलब होता है अपने पार्टनर द्वारा बुला दिए जाने का डर, या उसके द्वारा इग्नोर किया जाना, ऐसे डर को एथेजाइग्रोफोबिया या एथेजाइग्रोफोबिया कहा जाता है। अलग अलग लैंग्वेज उसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। तो एक बात कहना चाहूँगा कि इस तरह का जो डर जिसको भी है, वो ऐसा डर बिल्कुल ना पाले अपने पास, क्योंकि जिसको जाना है वो जाके रहेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए टिकटॉक पर फॉलो। मैंने अपना काम नहीं किया, आई डिडंट डू माई वर्क। क्या तुमने तुम्हारा काम किया, डिड यू डू योर वर्क। इसी तरह हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए मुझे टिकटॉक पर फॉलो करें। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए।
यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जाना ही चाहिए। जब आप किसी से पोलाइटली कह रहे हो तो आप शुड यूज करते हैं, और जब आप किसी को वहां पर फोर्स कर रहे होते हैं तो आप वहां पर मस्ट का यूज करते हैं। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए मुझे टिकटॉक पर और यूट्यूब पर वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। गाना मत गाओ, डोंट सिंग अ सॉन्ग। खाना मत खाओ, डोंट ईट फूड। मतलब जहां पर भी मत की बात आती वहां पर हम डोंट यूज करते हैं। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए मुझे टिकटॉक पर और यूट्यूब पर फॉलो करें। उसको बोलने दो, लेट हर स्पीक। उसे जाने दो, लेट हर गो। मुझे खाना खाने दो, लेट मी ईट फूड। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे कंप्लीट करने दो, लेट मी कंप्लीट। इसी तरह के वीडियोस के लिए मुझे टिकटॉक और यूट्यूब पर फॉलो करें। घुमा फिरा कर बात करना, इंग्लिश में इसको कहेंगे बीट अबाउट द बश या फिर बीट अराउंड द बश। घुमा फिरा कर बात मत करो, सीधे मुद्दे की बात करो। डोंट बीट अराउंड द बस, कम टू द पॉइंट। इसी तरह की वीडियोस के लिए मुझे टिकटॉक पर एंड यूट्यूब पर फॉलो करें। जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको पोलाइट होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप अगर किसी से कहें यू आर रॉन्ग तो ये थोड़ा रूडली बिहेवियर लगेगा, थोड़ा रूड लगेगा। तो इसकी जगह आपको कहना चाहिए आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन। तो इससे क्या होगा, वो रूड नहीं लगेगा और ये पोलाइट भी में लगेगा। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मुझे टिकटॉक पर फॉलो करें। द डिफरेंट नेम ऑफ मनी, जब हम शादी में देते हैं इसको दहेज कहते हैं, मतलब ड्योरी कहते हैं। अगर हम कोर्ट में वो पैसा देते हैं तो हम उसको फाइन कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई रिश्वत लेता है उसको हम ब्राइब कहते हैं। अगर वो हम पैसा स्कूल में जमा करते हैं तो उसको हम फीस कहते हैं। अगर हम बच्चे को देते हैं, हमारे चाइल्ड को देते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉकेट मनी या अलाउंस कहते हैं। अगर हम अपनी वाइफ को देते हैं तो उसको हम पिन मनी कहते हैं। तो इसी तरीके से पैसे के डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए मुझे टिकटॉक पर फॉलो करें।